This isn't going to be pleasant, but we're Oh my god, this is bad. Oh. Ow. दोस्तों, अगर कीड़ों की बात करी जाए तो भले ही वो दिखने में छोटे ही क्यों ना हो, लेकिन इतने ताकतवर होते हैं कि ह्यूमन बॉडी को नुकसान पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। जी हाँ, अगर कोई जहरीला कीड़ा किसी इंसान को काट लेता है तो दर्द के मारे इंसान का हाल बेहाल हो जाता है। वहीं अगर ये कीड़े इंसान के शरीर के किसी अंग जैसे कि कान या नाक में घुस जाए तो इंसान की हालत खराब हो जाती है। जरा सोचिए, जब कान में सिर्फ पानी घुस जाता है तो आप कितने बेचैन हो जाते हैं, और ऐसे में जिंदा कीड़ा जब कान में घुसकर रेंगना शुरू कर दे तो इंसान की क्या हालत होगी, इसका अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। और ऐसी हालत में लोग कीड़े को कान, मुंह या नाक से निकालने के लिए न जाने कितने तरह के उपाय करते हैं, जिनके बारे में उन्हें सही तरीके से नॉलेज भी नहीं होती है। लेकिन दोस्तों, अब चिंता की बात नहीं है, क्योंकि आज के वीडियो में आपको इन कीड़ों के बारे में हर छोटी बड़ी जानकारी देने वाले हैं, और ये भी बताने वाले हैं कि अगर ये इंसान के शरीर के किसी पार्ट में घुस जाए तो उन्हें कैसे निकाला जाए। तो दोस्तों, वीडियो में आपको काफी अहम जानकारी मिलने वाली है, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले वीडियो को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और साथ ही बगल वाली घंटे को भी दबा लीजिएगा। दोस्तों, बरसात के मौसम में उमस भरी गर्मी से राहत तो मिलती है, लेकिन ये मौसम कई बार परेशानी का सबब भी बन जाता है। दरअसल बरसात शुरू होते ही कीड़े मकोड़े सबसे ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं और अपने अपने बिलों से बाहर निकलकर घरों में एंट्री करना शुरू कर देते हैं। चींटी, कॉकरोच, मक्खी, झींगुर और दीमक जैसे छोटे छोटे कीड़े जाने कहां कहां से निकलकर बीमारियां फैलाते हैं। तो वहीं इनमें से कुछ कीड़े ऐसे भी होते हैं जो इंसान की बॉडी पर काट लेते हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ कई ऐसे खतरनाक कीड़े भी होते हैं जो इंसान को काटने की बजाय उनके नाक, कान या फिर मुंह में घुस जाते हैं, जैसे उनका घर हो। ये जिनमें से चींटी, मक्खी, कनखजुरा जैसे कीड़े तो बड़ी ही आसानी से कान के अंदर घुस जाते हैं। वैसे कीड़ों को मुंह और नाक से बाहर निकालना तो थोड़ा आसान होता है, लेकिन जब ये कीड़े कान में घुस जाते हैं तो मुश्किल थोड़ा ज्यादा हो जाती है, क्योंकि इन्हें बाहर निकालने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ती है। और इसी जद्दोजहद में कई बार कीड़े को बाहर निकालने की कोशिश में वो और अंदर चले जाते हैं। अक्सर देखा गया है कि कई बार लोग कान में होने वाली तकलीफ को अनदेखा कर देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। अपने कान को नियमित तौर पर साफ करते रहना चाहिए, जिससे कान का मैल और किसी भी तरह की गंदगी से कान हमेशा बचा रहे। दोस्तों, कभी कभी ये छोटे छोटे कीड़े कान के अंदर घुसते हैं और मर भी जाते हैं, लेकिन अगर जिंदा बच जाते हैं ना तो अपनी हरकतों की वजह से इंसान को बुरी तरह से परेशान कर देते हैं। जैसे कान के अंदर रेंगने लगते हैं, मक्खी होती है तो वो भिनभिनाने लगती है, और इन कीड़ों की ऐसी हरकत की वजह से इंसान और ज्यादा परेशान हो जाता है, इरिटेट हो जाता है, उसे उलझन होने लगती है, कान में खुजली होने लगती है। इतना ही नहीं, उस इंसान को सुनने में भी परेशानी होने लगती है। मतलब ये समझ लीजिए कि कान में कीड़ा घुसने की वजह से वो हद से ज्यादा परेशान हो जाता है, और वो लोग कीड़े को कान से बाहर निकालने के उपाय ढूंढने लगते हैं। तो ऐसे कौन से उपाय होते हैं जिनसे आपके कान से कीड़ा आसानी से निकल सकता है, चलिए बताते हैं आपको। दोस्तों, अगर कान में कनखजुरा घुस जाए तो पानी में सेंधा नमक डालकर कान में बूंद बूंद करके डालना चाहिए, और ऐसा करने से कनखजुरा बाहर की तरफ आ जाता है। और इसी तरह अगर कोई कीड़ा कान के अंदर चला जाए और वो जिंदा हो तो बूंद बूंद करके पानी डालना चाहिए, क्योंकि पानी डालने से कीड़े को परेशानी होती है और वो बाहर निकल कर आ जाएगा। इतना ही नहीं, कीड़े को बाहर निकलने के लिए गुनगुना पानी एक बहुत अच्छा उपाय है, इससे आपका दर्द भी कम होगा। लेकिन अगर कीड़ा कान में ही मर गया है तो इसे बाहर निकालने के लिए आप कान में गुनगुना पानी डालें और फिर कान के निचले हिस्से की तरफ झुककर थोड़ा सा उसे झटका दें। ऐसा करने से कीड़ा बड़े ही आसानी से बाहर आ जाएगा पानी के साथ। लेकिन एक बात का ध्यान जरूर दें कि पानी ज्यादा गुनगुना या फिर ज्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे आपके कान के पर्दे को भी काफी ज्यादा नुकसान पहुंच सकता है। वहीं कान में घुसे कीड़े को बाहर निकालने के लिए कपूर का पानी भी एक बहुत ही अच्छा उपाय है। इसके लिए एक कपूर लें, उसको थोड़े से पानी में घोल लें, इसके बाद जिस कान में वो कीड़ा घुसा है उसे उस कान वाले हिस्से में डाल दें। कुछ देर तक कान को ऐसे ही रहने दें। इसके बाद कान को जमीन के ऊपरी सतह पर रखकर उसके दूसरे कोने से थपकी मारें। ऐसा करने से कान में कीड़ा मर जाएगा और आसानी से बाहर निकल जाएगा। इतना ही नहीं, कान के अंदर तेल डालकर भी कीड़े को बाहर निकाला जा सकता है। आपको दोस्तों याद ही होगा कि बचपन में जब कान के अंदर मैल भरा होता था तो हमारी मम्मी कान में तेल डाल देती थी और तेल के सहारे मैल बाहर आ जाता था। असल में होता ये था कि कान में तेल जाते ही वो अपनी जगह बना लेता है, और इसीलिए मैल या कीड़े को वहाँ जगह मिलती नहीं है, जिसकी वजह से कीड़ा खुद अपने आप बाहर आ जाता है।
और दोस्तों ऐसे में ये भी जरूरी है कि तेल केमिकल वाला ना हो, बल्कि कोशिश करिए कि कान में सरसों का तेल ही डालिए, वो भी अच्छा शुद्ध वाला। वहीं कान में मरोड़ फली भी दर्द में काफी फायदेमंद होती है। मरोड़ फली के जड़ अरंडी के तेल में पीस कर मिक्स करें और फिर 10 से 12 बूंद कान में डालें। इससे एक बार में ही कीड़ा मर जाएगा। इसी के साथ आप पुदीने के रस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कान में पुदीने का रस डालने से कान के अंदर जो भी कीड़े हैं वो ऊपरी हिस्से पर आ जाते हैं और आसानी से बाहर निकल जाते हैं। वहीं दोस्तों नीम और तुलसी की पत्तियां भी ऐसे में काफी ज्यादा कारगर साबित होती हैं। इन दोनों में एंटी बैक्टीरियल गुण पाया जाता है और अगर कीड़े की वजह से कान में दर्द हो रहा है तो इन दोनों पत्तियों का इस्तेमाल काफी फायदेमंद साबित होता है। इसके लिए कुछ पत्तियों को हाथ में रखकर उसका रस निकाल लें। इसकी एक या दो बूंद कान में डालने से काफी फायदा होगा। मतलब कान के अंदर कीड़ा जिंदा हो या फिर मर गया हो, उसे इन तरीकों से कान से बाहर निकाला जा सकता है। उसके अलावा आप एक और काम कर सकते हैं। अगर कान के अंदर कीड़ा जिंदा है तो कान को सूरज की तरफ कर दीजिए, जिससे सूरज की रोशनी की वजह से कीड़ा खुद ब खुद अपने आप बाहर आ जाएगा। लेकिन अगर ये सब करने के बाद भी कीड़ा ना निकले, जिस कान में कीड़ा घुसा है उस कान को झुकाकर दूसरी तरफ ठोकने से कीड़ा बाहर निकल जाता है। इसके अलावा आप कुछ और टिप्स को फॉलो कर सकते हैं। जैसे कान में कीड़ा चला जाए तो कान को ऊपर की तरफ रखें, जिससे कीड़ा बाहर निकल जाएगा। वैसे अच्छी बात ये होती है कि कीड़े कान के अंदर ज्यादा गहराई तक नहीं जा पाते हैं, क्योंकि कान के अंदर एयर ड्रम्स होते हैं जिनकी वजह से कीड़े अंदर तक नहीं जा पाते हैं। वहीं अगर ऐसे में कान में तेल या पानी डाला जाए तो इनका रास्ता ब्लॉक हो जाता है और ये वहीं पर रुक जाते हैं, और ऐसे में इनके पास कान से बाहर निकलने के सिवा कोई दूसरा चारा होता ही नहीं है। वैसे दोस्तों जब भी कान के अंदर कीड़ा घुस जाए तो कान को मसलिएगा मत, वरना कीड़ा मर जाएगा और मरे हुए कीड़े को कान से बाहर निकालने में काफी मुश्किल आती है। इतना ही नहीं, अगर कान में कीड़ा घुस जाए तो गलती से भी कान में ईयरबड्स या माचिस की तीली या कोई भी ऐसा टूल डालने की कोशिश मत करिएगा, वरना कीड़ा कान के और अंदर चला जाएगा। और हाँ, अगर तेल और पानी डालने के बाद भी कीड़ा बाहर नहीं आता है तो आप एक क्लिप की मदद से उस कीड़े को बाहर निकाल सकते हैं, लेकिन ऐसे में सावधानी बरतने की जरूरत होती है। ऐसा ना हो कि कान में चिमटी डालने से मुसीबत और बढ़ जाए। अच्छा होगा कि ये काम आप किसी एक्सपर्ट की मदद से करें, जिससे किसी भी तरह का कोई खतरा पैदा ना हो। वैसे दोस्तों अक्सर तेल या पानी डालने से कीड़ा आसानी से बाहर निकल आता है, लेकिन अगर परेशानी ज्यादा हो तो हम रिकमेंड करेंगे कि आप फौरन डॉक्टर के पास जाएं और मेडिकल ट्रीटमेंट लें। वैसे एक और तरीके से कीड़े को कान से बाहर निकाला जा सकता है। दोस्तों एक्यूप्रेशर के बारे में तो आपने सुना ही होगा, तो वही एक्यूप्रेशर यहाँ भी काम करेगा। आपको बस कान के इस पॉइंट को प्रेस करना है, जिसकी वजह से आपको आराम तो मिलेगा ही, साथ ही साथ कीड़ा भी बाहर आ जाएगा। दरअसल अगर कान के अंदर कोई भी चीज घुस जाती है तो उसे बाहर निकालने के लिए हमारे कानों के पर्दे के बिल्कुल सामने मौजूद एक्यूप्रेशर पॉइंट को दबाना होता है। जिस तरह से वीडियो में दिखाया जा रहा है, बिल्कुल उसी तरह से आपको कान के इस पॉइंट को दबाना होता है और अपना मुंह खोलना होता है, और मुंह खोलते ही जहां आपने अपनी उंगली रखी है वहां आपको एक गड्ढा सा महसूस होगा और यही गड्ढा प्रेशर पॉइंट होता है। अब आपको मुंह बंद करके इसी प्रेशर पॉइंट पर दबाव डालना होता है, और ऐसा करते हुए आप अपने कान को थोड़ा झुकाइए, जिससे कान के अंदर मौजूद हवा, पानी या फिर कोई भी कीड़ा बाहर निकल आता है। दोस्तों उम्मीद है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक कर दें, और आप लोग इस वीडियो के लास्ट तक बने रहे इसके लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद।